डियर स्टूडेंट, जीरो टू जैनिस सीरीज में ये आपका 11th डे है। आज आपको बताने वाला हूं 11th डे में मैं कि कैसे किसी टॉपिक पर बोलने की शुरुआत करनी है। जी स्टूडेंट्स, आज बताऊंगा हाउ टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक कॉन्फिडेंटली। आज वो कारण भी बताऊंगा जिनके कारण स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पर बोल नहीं पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमको स्टेज पर बुलाया जाता है, हमसे कहा जाता है कि कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक ऑन दिस टॉपिक, तो दिमाग पूरा खाली हो जाता है, सोचने लग जाते हैं कि क्या बोले, क्या नहीं बोले, किसको छोड़े, किसको नहीं छोड़े, काफी सारी सिचुएशन हम लोग कैसे सिचुएशन में चले जाते हैं, कैसी स्थिति में होते हैं जहां पर हमको पता नहीं होता क्या करना है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर से कम होता है, राइट? तो ये सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनके कारण हम किसी टॉपिक पर नहीं बोल पाते हैं। आज आपको कारण भी बताने वाला हूं क्यों नहीं बोल पाते, साथ ही उन कारणों को कैसे हटाना है, उन रीजंस को कैसे हटाना है, और कैसे कॉन्फिडेंटली किसी टॉपिक पर बोलना है, बहुत ही प्यारे टिप्स देने वाला हूं स्टूडेंट। प्रैक्टिकली आपको 2-3 टॉपिक पर मैं बोलकर भी बताऊंगा कि कैसे बोलना और कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्रिएट करना है, और कंटीन्यूअसली कैसे 2-3 मिनट तक बोलना है। आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं ना वो 5 मिनट से ऊपर के ही होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सारा कंटेंट बोलने के लिए होता है कि मैं कभी-कभी तो ये सोचता हूं कि यार कोई भी कंटेंट जो है उस पर बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सही डायरेक्शन आपको पता है, अगर आपको पता है कि मुझे इस टॉपिक को कैसे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना है, सो स्टूडेंट आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरे सेशन को आपको एंड तक देखना और लाइक जरूर करना है वीडियो को। यार चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए हाउ टू स्पीक एंड द सेकंड इज व्हाट टू स्पीक। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों कंटेंट पता है, आपको अगर ये दोनों चीजें पता है कि मुझे कैसे बोलना है और मुझे क्या बोलना है, तो आप किसी भी टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली बोल लेंगे। अगर हम बात करें व्हाट टू स्पीक की, तो इसमें आपको अपना कंटेंट जो है वो रखना है। आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, एग्जांपल के तौर पर आपको एक टॉपिक दिया गया मोबाइल सेल फोन, ये टॉपिक इज मोबाइल सेल फोन्स, ये टॉपिक में भी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये टॉपिक में भी इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक में भी पोल्यूशन, ये टॉपिक में भी एनीथिंग। इट्स अप टू द गिवर कि वो आपको कौन सा टॉपिक दे सकते हैं बोलने के लिए। अब यहां पर आपको टॉपिक दिया गया मोबाइल सेलफोन की इंपॉर्टेंस के बारे में, सो यू फर्स्ट यू शुड नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट। इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, इफ यू डोंट नो व्हाट यू कैन स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल सेलफोन, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि हमें बोलना क्या है। Then the second point comes how to speak. How to speak में आपको लगेगी लैंग्वेज की नीड। जी स्टूडेंट्स, कैसे बोलना है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस SMP जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको कैसे सेंटेंसेस की नीड होगी जिस पर कि आप कॉन्फिडेंटली टॉपिक पर बोल पाए। अब अगर आप टॉपिक पर बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल दैट वॉट यू आर गोइंग टू स्पीक, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, तो यहां पर जो बेरियर आपका जो सबसे बड़ा बनता है वो बनता है लैंग्वेज। अच्छा, मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो जानते हैं हाउ टू स्पीक बट दे डोंट नो व्हाट टू स्पीक। तो दोनों सिचुएशंस जब आपकी अच्छे से कंप्लीट हो पाती है, जिसमें आपको ये भी पता होता है कि मुझे बोलना कैसे और मुझे बोलना क्या है, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज के बैरियर को कैसे हटाएं। मान लीजिए आपको टॉपिक का नॉलेज है, आपको मोबाइल के इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, आपको मोबाइल के फायदे नुकसान सब कुछ पता है, स्टिल यू आर अनएबल टू स्पीक, तो कैसे आपको बोलना है वही मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर वर्क करना है सिंपल सेंटेंसेस पर। जी हां स्टूडेंट्स, आपको इनिशियली जो है सिंपल सेंटेंसेस बोलना है। एग्जांपल के तौर पर आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल सेलफोन, सो यहां पर आप सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस आप बोलेंगे मोबाइल सेलफोन्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर अस, विदाउट देम वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीवन, वी कैन कॉल अवर पेरेंट्स, वी कैन कॉल अवर फ्रेंड्स। इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस इन द बिगनिंग यू हैव टू स्पीक। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि आई एम गोइंग टू स्पीक इन अ वेरी इफेक्टिव वे, आई एम गोइंग टू स्पीक इन द वे एज आई फाइंड इन न्यूज पेपर, इन मैगजीन्स आई फाइंड इन अ वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज आई हैव टू स्पीक, सो इट इज नॉट पॉसिबल गाइज। आपको बिगनिंग में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, आपको टफ भाषा यूज नहीं करनी है। जितनी सिंपल आपकी भाषा होगी बिगनिंग में, उतना लंबा आप चल पाओगे। आप सोचिए कि टफ और स्टैंडर्ड भाषा को बिगनिंग में यूज करके बहुत लंबा या आगे बोल ले, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उतनी प्रिपरेशन लगेगी। तो बिगनिंग में, चूंकि आज आपका जीरो टू जैनिस में 11th डे है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि 11th डे मतलब कि आपको लर्निंग करते हुए अभी 11 दिन हुए। साथ ही जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीरो टू जैनिस सीरीज को बिगनिंग से देख रहे हैं, भाई बता दूं मैं, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के वीडियोस जरूर देखते रहना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 11 दिन में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट स्पीकिंग पर नहीं आ सकता है। वही स्टूडेंट आ पाएगा जिसने बेसिक के साथ
सारे वीडियोस देखे, साथ में प्रैक्टिस के वीडियोस देखे, और इसके अलावा जो जो प्रैक्टिस टिप्स मैंने जीरो टू जेनेस सीरीज में आपको दिए हैं उनको आपने फॉलो किए हैं, देन यू विल बी एबल टू स्पीक ऑल दिस थिंग्स। तो आज के इस टॉपिक सेशन में जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कैसे किसी भी टॉपिक पर बोलना है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको इन द बिगिनिंग यू हैव टू टेक वेरी मच वेरी सिंपल टॉपिक्स, लाइक जहां पर हमने वेरी सिंपल टॉपिक में एक लिया है सेलफोन वाटर, अभी मैं सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बोल के बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस आपको बिगनिंग में लेने हैं। अब आपने सिंपल सेंटेंसेस में एक दो सेंटेंसेस के बारे में बोल दिए, नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ सेलफोन। अब सेलफोन के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं ये बताओ आप, देन यू हैव टू टॉक अबाउट डिमेरिट्स ऑफ सेलफोन। सेलफोन के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसी बीच आप इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मान लो यू आर गिवन टाइम to prepare this topic, so you can google and find out that who has invented the first cell phone, hai na, pehla cell phone kisne invent kiya, kahan kiya, kaise kiya, kis situation mein kiya, wo sari cheeze aap chahe to ye beginning mein aap rakh sakte hain if you are given topic. In case agar aapko ye topic suddenly bolne ke liye diya gaya hai ki aapne koi preparation nahi hai, koi kuch nahi hai, to aise situation mein wahan aapko apna knowledge nahi dikhana hai, wahan par aapko jo jo cheeze at a time aapke conscious brain mein hai, at a time jo cheez aap jante ho usko usi time par fir bolte chale jao. Ab bola zyada से जाता है वो चीज मैं आपको बताता हूं। बिगनिंग में सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे, आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको इसमें बताने हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सेलफोन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलफोन, फर्स्ट इन द बिगनिंग यू हैव टू मेंशन, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द डिमेरिट्स। अब डिमेरिट्स में आपको वो चीजें गिनानी है, हाउ द यूथ एंड स्पेशली द किड्स आर बिकमिंग एडिक्टेड ऑफ यूजिंग सेलफोन। यू नो, छोटे बच्चे कैसे एक एडिक्शन में आ रहे हैं, कैसे वो दिन भर मोबाइल के ऊपर सेलफोन पर गेम खेलते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, तो किस तरीके से वो जो है अपने टाइम को, वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पर उसके डिमेरिट्स आपको जो है बताने हैं। जब आप ये डिमेरिट्स बताओगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग जो है इसके बच्चों के अलावा अपने जो मैच्योर है, यूथ है, वो कैसे अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे पिछड़ रहे हैं, वो कैसे एक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इफ दे आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, सो व्हेन दे फाइंड देयर फ्रेंड्स आर हैविंग सो मेनी फॉलोअर्स एंड दे फाइंड दे गेट गुड लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन देयर वीडियोज, ऑन देयर व्हाट यू कैन से फोटोज। ओके, तो जो लोग जिनको ये वीडियोस पे फोटोज पर कमेंट और लाइक कम मिलते हैं वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको ये लगने लगता है कि शायद हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स में उतने अच्छे नहीं है, हम लोगों को लोग शायद पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से, मतलब आज देखो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कारण जहां पर हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स जो है वो हमारे सोशल स्टेटस को बताने का काम करते हैं। तो यहां पर आप ये सारी चीजों को, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल सेलफोन में, सेलफोन के बारे में जो चीज रखने वाले हो इसमें आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इतना भी बोलते नहीं आ रहा है, आप सेंटेंस भी नहीं बना पा रहे होते, इसी सिचुएशन में आपको करना है यहां पर सिंपल सेंटेंसेस से ही शुरुआत, जिसमें आपको लाइक मोबाइल सेलफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल विथ मोबाइल सेलफोन, वी कनेक्ट विथ अवर फ्रेंड, ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और कैन का यूज करते हुए आपको 10 से 15 सेंटेंसेस जो है लिख लेना है मोबाइल सेलफोन की इंपॉर्टेंस के बारे में। मान लीजिए आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपका टॉपिक है वाटर, मान लीजिए आपका टॉपिक है पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के बारे में, वाटर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 8 से 10 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं, 8 से 10 सेंटेंसेस तो आई थिंक आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 8 से 10 सेंटेंसेस आप लिख लें, उनको 2-3-4 बार पढ़े और फिर उसके बाद आप बोले। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक। तो स्पोकन का सबसे पहला रूल है, इन द बिगिनिंग इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक जस्ट मेक सिंपल सेंटेंसेस, देन अगर वो टॉपिक ऐसा है जिसके नुकसान और फायदे दोनों हैं तो पहले फायदे बता दीजिए, देन उसके नुकसान बता दीजिए, वो लास्ट में उस टॉपिक को कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड का मतलब होता है यू हैव टू गिव अ प्रॉपर कंक्लूजन दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल सेलफोन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट वी शुड यूज मोबाइल सेलफोन इन लिमिट। मोबाइल सेलफोन इज अ गुड डिवाइस, वी आर एबल टू डू मेनी वर्क बाय सिटिंग एट द होम, बट रिमेंबर इट, the excess of anything is bad. It is said that there is a proverb in English, excess of anything is bad. किसी भी चीज की अति बुरी होती है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको in the end बोलना है, we have to use it in limit. हमें इसको limit में use करना है। तो students ऐसा करके आप जो है 1-2 मिनट का आराम से किसी टॉपिक के ऊपर, 3 मिनट का, मे बी अगर आपके पास अच्छे कॉन्टेंट है तो आप 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी स्पीच जो है तैयार कर सकते हो। किसी पर टॉपिक पर बोलना बहुत आसान काम है। अगर आप यूट्यूब के बारे में आपसे कहा जाए, नाउ जस्ट स्पीक अबाउट दी
YouTube something, you know, तो YouTube के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो YouTube के बारे में आप काफ़ी कुछ content बोल सकते हैं कि YouTube जो है Google के द्वारा ही run होता है, YouTube जो है किस तरीके से work करता है, YouTube के अंदर किस तरीके का content है, सभी प्रकार का content YouTube के ऊपर available है। आज YouTube से education source कैसे बन गया, आज student कैसे YouTube के थ्रू घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप systematic तरीके से इसमें बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू स्पीक प्रॉब्लम है या व्हाट टू स्पीक प्रॉब्लम है। मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो आपकी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होगी वो हाउ टू स्पीक होती है, क्योंकि व्हाट टू स्पीक में तो हम सबको बेसिक चीजें पता होती है कि हमको कैसे बोलना है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम व्हाट टू स्पीक भी है, आपके दिमाग में बिल्कुल भी आइडियाज नहीं आते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें, आप नए नए चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें, नई नई चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, देखें कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। इन शॉर्ट, आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। जहां आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ गया, वहां पर ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, और जब आइडियाज आएंगे ना तो आइडियाज कहीं ना कहीं से बाहर जरूर निकलेंगे, और जब वो आइडियाज आपके टंग से बाहर निकलेंगे तो उस टंग में आप लोग ऐड कर देना अपनी लैंग्वेज को, तो वो आइडियाज आपके हिंदी में नहीं इंग्लिश में निकलेंगे। स्टूडेंट्स, तो इसी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आज और अभी से कम 10 से 12 टॉपिक को प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो घर पर उसकी, और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक दिन के लिए स्टेटस पर रख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखे और अपने आप को इंप्रूव करे। फिर मिलूंगा एक नए सेशन में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।